मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा, उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया और मैंने भी टाइम मांगा था और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चले गए स्ट्राइक या नहीं? हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटिंग में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ़ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स, इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारा नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए, हम वही मांग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो, यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए, अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू।